शोभिता धुलीपाला जन्माष्टमी पर कान्हा बनी तो लोगों ने उनको खूब खरी खोटी सुनाई। लोगों ने कहा कि आपने किसी का घर बर्बाद किया है और आप अब इस तरीके का रूप धारण कर रही हैं। लोग बोले, कृष्ण अधर्म और अन्याय नहीं करते। दरअसल शोभिता धुलीपाला नागा चैतन्य के साथ सगाई के बाद से ही लोगों के निशाने पर हैं। अब उन्होंने लोगों को एक और मौका दे दिया। उन्होंने जन्माष्टमी पर कृष्णा के अवतार में फोटो शेयर की, जिसे देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आपको बता दें, 8 अगस्त 2024 को नागा चैतन्य से शोभिता ने सगाई की थी। हाल ही में लोगों ने उन पर निशाना साधा और लगातार उन्होंने नागा चैतन्य की एक्स वाइफ यानी सामंता रूथ प्रभु का सपोर्ट किया। ऐसा ही एक बार फिर हुआ है जब शोभिता ने जन्माष्टमी के खास मौके पर एक फोटो शेयर की और लोगों ने उन्हें निशाना बना लिया। शोभिता ने अपने इंस्टा हैंडल पर हाल ही में अपनी एक फोटो शेयर की, जिसमें वो कृष्णा बनी हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि शोभिता का ये भगवान कृष्ण का गेटअप फिल्म पोन्नियन सेल्वन 1 में दिखाया गया था। फोटो में शोभिता नीले रंग का ब्लाउज पहनकर सुंदर लग रही थी और निचले हिस्से के लिए उन्होंने बनारसी पहनावा चुना था। ड्यूअल टोन ओढ़नी और मोती हार चूड़ियां, बाजूबंद, कमरबंद, झुमके और एक पगड़ी के साथ मोती स्टड हेयर एक्सेसरीज समेत स्टेटमेंट ज्वेल्स के साथ शोभिता ने अपने लुक को कंप्लीट किया था। खैर, फोटो आने के बाद से ही लोग इस पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, कृष्ण अधर्म और अन्याय का सपोर्ट नहीं करते। एक यूजर ने लिखा, क्या आप राधा हैं या रुक्मणी। एक और यूजर ने लिखा, आप लॉर्ड कृष्णा के अवतार में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, नॉट सूटिंग योर पर्सनैलिटी, सॉरी। एक और यूजर ने लिखा कि इसलिए ही आपने सेकेंड हैंड लाइफ चुनी। एक और यूजर ने लिखा, डिलीट राइट नाउ, आपको कोई हक नहीं बनता किसी का घर तोड़ें। एक और यूजर ने लिखा, 1000 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। एक और यूजर ने लिखा, ब्रदर्स डोंट ट्रोल हर, शी इज गुड इनफ। फिलहाल ये तो थे लोगों के रिएक्शन। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।